नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को संकल्प फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर मिंटो रोड नई दिल्ली में इस बार के यूपीएससी द्वारा चयनित प्रतिभागियों को जो संकल्प से जुड़े थे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इस वक्त मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं इस बार 2023 की टॉपर, आईएएस टॉपर ईशिता किशोर जी को, जिनको संकल्प फाउंडेशन ने सम्मानित किया है। और साथ साथ और भी वहां जो बड़े बड़े उसके संस्थापक और नेतागण थे, सब ने उनको सम्मानित किया है। काफ़ी भीड़ थी, उसी मंच पर उनको कुछ बोलने का जो मौका मिला और उन्होंने क्या कहा, कैसे टॉप की वो, इसके बारे में वो उनकी खुद की जुबानी सुनिए। बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। और कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इटली की राजधानी तो एक दिन में नहीं बनी थी। ठीक उसी तरह कोई भी आईएएस तो एक दिन में नहीं बनता है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत तपस्या के बाद कोई भी इस मुकाम को हासिल कर पाता है। कहते भी हैं कि हिंदुस्तान में 3 ही लोग होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। आईएएस टॉपर ईशिता किशोर जी डीएम बनने जा रही हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो वो एडीएम बनेंगी, उसके बाद डीएम बनेंगे, तो उनकी जुबानी सुनते हैं। माननीय राज्यपाल जी श्री आर एम रवि सर, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान सर, आदरणीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सभी मुख्य अतिथि खान, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबकी आभारी हूँ जो आज मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं संकल्प को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे इंटरव्यू स्टेज पर हमारी मदद की और उनकी दी गई टिप्पणियां हमारे बहुत काम आई। खास तौर से संतोष तनेजा सर को, क्योंकि जो 1-to-1 डैफ एनालिसिस था और आने वाले सारे जूम सेशंस बहुत हेल्पफुल रहे। अपने परिचय में मैं सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बात करना चाहूंगी। मेरे पिता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर संजय किशोर थे। आज मेरे साथ मेरी माँ श्रीमती ज्योति किशोर और मेरा बड़ा भाई ईशान हर्ष मौजूद हैं। मेरी माँ स्कूल से रिटायर हुए हैं और मेरा बड़ा भाई दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। मैंने अपनी स्कूलिंग एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से की है। मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। इसके पश्चात मैंने अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में 2 साल रिस्क एडवाइजरी में भी नौकरी की है और इस साल प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहले 2 प्रयास में मैं असफल रही थी और निराशा तो मुझे बहुत हुई थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक कविता सिखाई थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे कमरे में भी लगी हुई है, तो मैं आप सबको वो बताना चाहूंगी। वो श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तब धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मर ना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। यहाँ सभी साथियों को और उनके परिवारों को अगर मेरा एक संदेश अंत में रहेगा तो वो यही है कि 2047 तक हम जिस विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उससे हम सबकी मेहनत रहेगी कि अंत्योदय व्यक्ति
गांव-गांव तक प्राथमिक सुविधाएं पहुंचे, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सुविधाओं को किसी के लिए किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़े। यह हमारे उपनिषद में भी लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। धन्यवाद। धन्यवाद ईशिका जी। जैसा कि अभी हमने देखा कि ईशिका जी ने यूपीएससी की इस परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मैं बुलाना चाहूँगा कृतिका मिश्रा जी को। जी ईशिका जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं और दीन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें और देश दुनिया का नाम रोशन करती जाएं।